हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो में अब हम इनके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही इंक्लूड होती हैं। तो बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़रूरी है। अगर इसका मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी थिंग परचेज करता है, कोई भी थिंग अपने पर्सनल यूज के लिए, तो दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। ओके, थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली, दैट इज परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन। नाउ थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी इन डीलिंग में क्या है कि बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली, मतलब कि इसमें परचेज सेल शुड बी रेगुलरली होनी चाहिए। इफ द एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर, अगर कोई भी एक्टिविटी रेगुलर नहीं है तो इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस। ओके, फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, इट इज असेंशियल दैट पर्पज ऑफ द पर्सन कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस में क्या होता है कि इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो यही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिफ्थ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, हर स्टेप पे, हर एक स्टेप पे कोई ना कोई रिस्क होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लॉस भी हो सकते हैं। तो छोटी सी मिस्टेक बिजनेस में क्या होता है, कोई ना कोई रिस्क हो सकता है, कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। छोटी छोटी मिस्टेक भी अगर उसका कोई सोल्यूशन, हमने उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकती है हमारे पूरे बिजनेस को। सिक्स पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी, देयर यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन अपनी यूटिलिटी को एनहांस करे, अपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाए, तो वो अपनी चीजों को और भी ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं सोसाइटी के लिए। लास्ट करेक्टरिस्टिक है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का एम होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट भी तभी अर्न कर सकते हैं उसी सेम टाइम पे कंज्यूमर के सेटिस्फाइड होना भी बहुत जरूरी है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो उनका प्रॉफिट अर्न करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज यूजलेस। ये सारे बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स हैं सेवन। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है प्रोफेशन का कि प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। प्रोफेशन के पास स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, उसको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर कोई भी एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन है वो प्रोफेशन नहीं चला सकता। द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी अ कॉल्ड अ प्रोफेशन। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशन में एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के कोई भी प्रोफेशन नहीं कर सकता। इट मींस ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन, द नॉलेज ऑफ विच इज इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस। थर्ड पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का जो कि बहुत जरूरी है। इट मस्ट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है कि लाइक टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन, टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज अ प्रोफेशनल, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन। मतलब इसमें मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करना आना चाहिए, उनके लिए प्रोफेशन की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको गाइड करने के लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। उन प्रोफेशनल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनकी इमेज को प्रमोट करना चाहिए, उनको बिल्डअप करना चाहिए। तो यही सब चीज प्रोफेशन में आती है। फोर्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है सेट ऑफ रूल्स। कोड ऑफ कंडक्ट में आता है सेट ऑफ रूल्स। ये प्रोफेशन का लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें जो प्रोफेशन के मेंबर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं कि उनको वो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसमें इंक्लूड होते हैं कि रूल्स कनेक्टेड विद द प्रोफेशन। इसमें प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं सब आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। इसमें लाइक इंटीग्रिटी, मोरालिटी, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ये सब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं।
नेक्स्ट लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है. फर्स्ट है सर्विस टू अदर्स, मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर एम्प्लॉयमेंट का आता है कि इज अ सर्विस ऑफ अदर्स, ये दूसरों के लिए काम करते हैं. सेकेंड इज पर्सनल सर्विस, एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, जो एम्प्लॉय होता है वो खुद सर्विस प्रोवाइड करता है. इसका मतलब कि ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस, मतलब कि वो अपनी जगह पे किसी और को काम करने के लिए नहीं भेज सकता, ना वो किसी और से काम करवा सकता है. थर्ड इज एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन्ड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से करता है, जिसमें लिखा होता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, परमानेंट होगा, टेम्परेरी होगा या कैजुअल होगा, या फिर वो किस बेसिस पे उसको रिम्यूनरेशन पे करेगा, सैलरी करेगा, कमीशन के थ्रू देगा या फीस देगा या कुछ भी होगा, ये सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, इस एग्रीमेंट में सब गिवन होता है. फोर्थ इज सर्वेंट, एन एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स, मतलब इसमें एम्प्लॉय जो होता है वो एक सर्वेंट की तरह होता है, जो भी उसका जो बॉस होता है या जो भी एम्प्लॉयर बोलता है वो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर्स पे ही चलता है, जो वो काम बोलता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है. फिफ्थ पॉइंट इज नो नीड ऑफ कैपिटल, देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, वो सबको जो उसका बॉस होता है या मास्टर होता है उसको अपने वो अपनी कैपिटल लगाता है, एम्प्लॉय को लगाने की जरूरत नहीं होती. सिक्स इज नो रिस्क, इसमें एम्प्लॉय जो होता है जो काम करता है उसका कोई रिस्क नहीं होता, सारा रिस्क उसके बॉस का होता है, उसके मास्टर का होता है, ठीक है. सेवन्थ इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, इसमें जो एम्प्लॉयर होता है जो एम्प्लॉय से काम करवाता है उसका नेचर कैसे होता है. एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज में भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है. इट कैन बी द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा. एम्प्लॉयर का जो नेचर है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस के जो होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स. थैंक यू.